हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। वेलकम टू अवर चैनल मनी मंत्रा विद दीपक रोहिला। आज दिसंबर मंथ का पहला दिन, और कल भी कुछ स्टॉक्स हमने इंट्राडे के लिए डिस्कस किए थे, उन्होंने अच्छा पैसा बना के दिया इंट्राडे में भी। अगर आपने टीवी 18 कल डिस्कस किया था, अगर आपने कल डिस्कस करने के बाद अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया होगा और अपने पोर्टफोलियो में आज उसको ट्रेड किया होगा, तो उसने बहुत ही डिसेंट पैसा आपको बना के दिया है। 38 रुपीज से नीचे था वो कल, हमने जब डिस्कस किया था, तो आज वो 41 प्लस भी गया है। तो पांचों स्टॉक्स ने अच्छा मूवमेंट दिया इंट्राडे के लिए, और सेम ये स्टॉक्स आप इंट्राडे के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे में भी रिस्की हो सकता है लोगों के लिए, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई आपको स्विंग ट्रेड करना चाहिए और पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। इंट्राडे वही करें जो समझ सकते हैं उस चीज को, उस मोमेंट को, उस मोशन को। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सर थैंक यू बोलना चाहूंगा जो अपने 6600 सब्सक्राइबर हैं, 6600 ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनका दिल से धन्यवाद दोस्तों। और सर अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल के आइकन को दबाइए, और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे मनी मंत्रा, जैसे अपना चैनल का नाम है ना मनी मंत्रा, तो कुछ ऐसे मंत्र लेके आए हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बना के देने वाले हैं स्विंग ट्रेड के लिए। तो पहला स्टॉक है सर, पहला मंत्र है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस भी किया है और आपको बताया भी है कि ये एस्ट्रल लिमिटेड आप यूज कर सकते हो स्टॉक एसआईपी में भी। अगर आप एक साथ 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी नहीं खरीद सकते, तो महीने दर महीने जब भी आपको इसके अंदर गिरावट मिले आपको इसको बाय करते रहना है सर। मैंने इस महीने भी कुछ स्टॉक बाय किए हैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए, आप भी इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो अपने लिए। अभी बात करते हैं प्रेजेंट लेवल की। प्रेजेंट लेवल पे 1924 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा अभी। पहले आरएसआई देख लेते हैं। आरएसआई देखो ये ओवरसोल्ड जोन से बाइंग जोन की तरफ जा रहा है, वन थंब रूल एक हमारे तरफ हो गया है। दूसरा ये वॉल्यूम आप देख सकते हो पिछले कुछ दिनों से कैसा वॉल्यूम था, उसके बाद आज ग्रीन वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल, और जो हमारा शुभ चिंतक है EMA 9 उसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। EMA 9 की लाइन है ये, ऑलमोस्ट कवर ऑफ करके ऊपर जाने वाली है। अब क्या ये टू आवरली में क्या कह रही है लाइन, ये टू आवरली में क्या कह रही है, इसने इंडिकेशन दे दिया कि ये तो क्रॉस हो चुकी है यहां पे। टू आवरली में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल थे ये वाले, इसका भी अगर मैं टॉप को पिक करूं तो ट्रेड कर रहा है अपने पिछली हर्डल से ऊपर ट्रेड हो रहा स्टॉक ये। अब ये देखो ये यहां से लेके यहां तक इससे बाहर निकल गया है, इससे बाहर निकल गया है स्टॉक, तो क्या होने वाला है यहां पे अपमूव। अब देखो बैक से देखें तो काफी ऊपर से नीचे गिरा है जी, ऑलमोस्ट 2600 से ये 1900 रुपए मिल रहा है, 700 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसा स्टॉक जो आपको तीन से चार साल में, हर तीन से चार साल में पैसा डबल कर सकता है, और वो इतने अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो क्या ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन यस, हेलो सर, आपसे पूछ रहा हूं ये क्वेश्चन, आपको इसका जवाब देना है। अगर आपका आंसर यस में है तो इसको ऐड कर लीजिए जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है। शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में हम इसको इस लेवल पे बाय करेंगे, फिर फर्दर 1950-1980 के लेवल के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा सोचते हो, लॉन्ग टर्म का सोचते हो, तो 2100-2300-2500 इज नॉट फार अवे, ऐड करते रहिए ये स्टॉक। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हमारा आज का वीडियो, अगर आपने हमारा आज का वीडियो नहीं देखा है ये वाला निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस, और साथ में दो स्टॉक ऑप्शंस जो आप यूज कर सकते हैं दिसंबर मंथ की एक्सपायरी में, ये उनके लिए जो फ्यूचर ऑप्शन समझते हैं तो उनके लिए स्टॉक ऑप्शन भी है सर, तो आप उसको स्टडी करके यूज करना चाहें कर सकते हैं। एस्टल इज डन। नेक्स्ट स्टॉक अगर इंडियन मेटल्स, अब इंडियन मेटल्स में शॉर्ट टर्म की बात करें स्विंग ट्रेड के लिए जो करना चाहते हैं,
हमने यहां से एक ट्रेंड लाइन को पिक किया इस वाले टॉप से, इस वाले टॉप को इससे मीट किया, आगे बढ़ाया रेगो, तो अपने को क्लियर कट ब्रेकआउट मिला। इधर आज की कैंडल काफी अच्छी कैंडल थी, कुछ जो अपने प्रीमियम ग्रुप में मेरे साथ डे टाइम में उनके साथ हमने शेयर कर दिया है। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 260 पे, जब हमने डिस्कस किया था 255 राउंड ट्रेड किया था हमने, उस टाइम डिस्कस किया था। स्टॉप लॉस क्या यूज करेंगे, स्टॉप लॉस यूज करेंगे 250 का। आप स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये फर्स्ट हर्डल है 266, जैसे ये पार करता है 275, 218, 9290 और 300, इन टारगेट के लिए हम इस स्टॉक के अंदर निवेश कर सकते हैं। वॉल्यूम आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में वॉल्यूम। RSI आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है RSI भी। तो ये स्टॉक आपके लिए स्विंग ट्रेड के लिए रेडी है, अपने एनालिसिस कीजिए। क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट आपने करना है, आप एक स्टॉक बाय करेंगे तो वो आपका है, अगर 100 स्टॉक बाय करेंगे तो वो आपका है। तो ड्यू डिलीजेंस जो करना चाहें आप कर सकते हैं दोस्तों, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। नेक्स्ट स्टॉक सर SPIC, साउदर्न पेट्रोकेम। साउदर्न पेट्रोकेम पहले भी हमने डिस्कस किया था, फिर से वापस आए इस पे, जस्ट बिकॉज कि ये इस ब्रेकआउट से बाहर निकल रहा है, इस रेंज से बाहर निकल रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, RSI भी अच्छा है अप मूव में। तो स्टॉक जो अभी 66 के राउंड ट्रेड कर रहा है, अगर ये यहां से बाहर निकलता है, ये देखिए रेंज है 70 रुपीज की, 70 रुपीज से बाहर जाता है तो अपने को जल्दी ही दिखाएगा 78-90 के लेवल। ये शॉर्ट टर्म के लिए है, जो थोड़ा सा ज्यादा आगे देखना चाहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये देखें, ये यहां से एक डब्लू बन रहा है, ये डबल बॉटम का पैटर्न बन रहा है, इसका ब्रेकआउट 90 के ऊपर है, जो हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट है उसके वहां पे ब्रेकआउट है, वहां से 100-130 के लिए ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। दिस इज अनदर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड आइडिया मंत्र फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अनदर स्टॉक रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्रीज में आप ये फॉर्मेशन देख सकते हो, इस लाइन को मैं अगर आप कहें तो एक बार मैं ब्लैक कर देता हूं सो दैट कि ये अलग से दिखे आपको ये फॉर्मेशन। उसके बाद ये, इसको आप भले बात से जानते हैं, दिस इज कप एंड हैंडल पैटर्न विद ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद देखिए कैंडल कितनी अच्छी बनी है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 180 का लेवल। अब असेंडिंग ऑर्डर में वॉल्यूम है, पिछले दो दिन का आप देख सकते हो, अच्छा वॉल्यूम आज के दिन में भी है और आपको RSI में भी ये नजर चीज आएगी। RSI में भी इस लेवल के ऊपर ये ब्रेकआउट है, तो हमको क्या करना है इसमें, ये डे टाइम में देखो डिस्क्लेमर है, डे टाइम में मैं अपने जो प्रीमियम ग्रुप के क्लाइंट है वहां उनको शेयर कर चुका हूं, वहां लोग इंट्राडे में भी इसके अंदर पैसा बना चुके हैं। हमने डे टाइम में 183 के ऊपर डिस्कस किया था, उसके बाद ये 189 का इसने हाई भी बनाया है। अभी स्टॉक 186 पे ट्रेड कर रहा है, 191, 199, 206, 205, इन टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो ये स्टॉक आप ट्रेड कर सकते हैं विद योर एनालिसिस, आफ्टर योर एनालिसिस ड्यू डिलीजेंस। नेक्स्ट स्टॉक, ये स्टॉक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि देखो अपना वीडियो खाली शॉर्ट टर्म वाले दोस्त नहीं देखते, स्विंग ट्रेड वाले नहीं देखते, इस अपने वीडियोस को काफी लोग देखते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, और मुझे वही लोग बहुत अच्छे लगते हैं एक्चुअली में, तो क्योंकि वो एक पौधा उगाते हैं अपनी अपने लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए पौधा उगाएंगे, 3 साल बाद 5 साल बाद जो फल आएंगे उनको खाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, फल की छांव मिलेगी, फल की पेड़ की छांव मिलेगी, पेड़ की छांव के नीचे आप फल खाएंगे बैठ के। तो हाउ इट इज, स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 17.50 रुपए पे। स्टॉक का नाम है जी धनलक्ष्मी बैंक, 17.50 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन हमारा स्टॉक लॉस है, 11 रुपए से 11.50 रुपए, 11.50 रुपीज, इससे नीचे जाएगा तो वी शुड एग्जिट। यहाँ पे मुझे एक ना ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट सा नजर आता है, ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा 21.20, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट है दोस्तों 21.20, देन उसके बाद वी कैन गो फॉर 26, 34 एंड 43, इन लेवल्स के लिए हम जा सकते हैं दोस्तों। वेट करें, इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करके थोड़ा सा समय दें, ये आपके लिए पॉसिबली पैसा डबल धमाका स्टॉक हो सकता है। बट किसको पैसा डबल मिलेगा, उसको मिलेगा जो पेशेंस के साथ इसको होल्ड कर सकता है। क्या आप होल्ड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए। हेलो, हाँ जी सर, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, अगर इसका आंसर यस है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, 3-4% आप अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हो दोस्तों। तो आज के वीडियो में ये स्टॉक से जो दोस्त अपने साथ ज्वाइन करना चाहता है मनी मंत्रा टेलीग्राम पे भी, जो डे टाइम में देखो एक हमने ट्रेड दिया था BTST का, वो हमने वीडियो में भी यूज नहीं किया है, बट BTST का ट्रेड दिया है,
इंडिया सीमेंट का चार्ट हमने डे टाइम में शेयर किया था, कुछ ऐसा ऑप्शन भी शेयर किया था जो आपको डे टाइम में पैसा बना के दे सकता है, जस्ट इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा ऑप्शन। और स्टॉक भी हमने आपके साथ शेयर किए हैं, टाटा कैम शेयर किया है, टीवी 18, देखो टीवी 18 आप लोगों के साथ भी शेयर किया था, कल डिस्कस किया था 38 to 41। कभी हमने एचपी इलेक्ट्रिकल 77 रुपीज पे दिया था, अभी ट्रेड कर रहा है 112 रुपए पे। उम्मीद करता हूं जिन दोस्तों ने इसको बाय किया होगा अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो दोस्तों ये स्टॉक से और ये अपना चैनल है, आपसे बस एक गुजारिश है आपके लाइक और कमेंट ऑक्सीजन के समान है दोस्तों, ऑक्सीजन की सप्लाई चालू रखिए। कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो अपने दो दोस्त चार दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना दोस्तों। हैव अ वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद जय भारत, हम फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, शब्बा खैर।